यहां तक दिख रहा है मुझे। आज आपका ये लाइव नंबर 9 है और आज हम बात करेंगे वर्गमूल। इसके पीछे हमने 8 क्लास पढ़ लिया है। इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ये क्या होता है, चलिए इसका परिचय करवा देते हैं आप सभी से। आप समझिए, इसका जो चिन्ह होता है हिंदी में बोले या इंग्लिश में वो ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे तिरछा कटिया की तरह, याद रखना ठीक है। ये क्या है, इसका चिन्ह है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं वर्गमूल और घनमूल के जो चिन्ह होता है उसमें काफी कंफ्यूजन होती है, तो यहां से समझ लो बच्चा, दोनों का चिन्ह वैसे ही बनता है और यहाँ पे 3 लिखा होता है अगर घनमूल होता है तो। ये जरूरी है यहाँ पे 3 लिखा होना, आप समझ गए ना। अगर घनमूल है तो यहाँ पे 3 लिखा होना जरूरी है, और अगर वर्गमूल है तो जरूरी नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड, ऐसे तो बोलता है ना इंग्लिश में। चलो, तो ये तो हो गया चिन्ह। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या क्या है ध्यान से देखना भाई, सब कुछ डिस्टर्ब है, कई दिन से लाइव नहीं हुआ था। हाँ, ये लाइव है क्या, दिख रहा है आपको? लाइव नहीं है क्या? हाँ, एक है जी, लाइव नहीं दिख रहा है, मतलब यार क्यों दिल तोड़ने वाली बात करते हो तुम लोग। चलो देखो, समझो आगे, समझो मतलब की बात। हम बात करेंगे वर्गमूल की। आपने इसके पहले पढ़ा है क्या, वर्ग और गुणनखंड, फैक्टर आप सभी ने पढ़ा है। तो इधर साइड में समझो, पहले फैक्टर करना सब कोई जानता है ना। देखो, छोटी छोटी नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे पहला, जैसे एक हमने क्वेश्चन दिया आपको, एकदम छोटा सा बच्चों वाला छुटकौआ वाला सवाल है ये, 4। इसको तो हर कोई कर लेगा, कहोगे यार काहे को मजाक कर रहे हो इतना छोटा छोटा देके। बिल्कुल, ये क्लास मजाक ही वाली क्लास है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। खेल खेल में हमेशा बच्चे बने रहना जिंदगी में, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और उन्हें कोई घमंड नहीं होता, मुझे ये आता वो आता है, वो सबसे पूछते रहते हैं। लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो बड़ी शर्म लगने लगती है कुछ भी पूछने में अगले से। हाँ, और यही वजह है मुसीबत की। चलो, सबसे पहले इस नंबर के हम फैक्टर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ये टोपा लगा है वो ऐसे ही लगा रहेगा, मतलब चिन्ह आपको नहीं हटाना है। तो इसके फैक्टर ऐसे होते हैं 2 गुणे 2। इसको करने के बाद क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इनका जोड़ा बनाते हैं, मीन्स इनका पेयर बनाते हैं। यहाँ जोड़ा नहीं कहोगे, वो जोड़ा दूसरा है, यहाँ पेयर बनता है, इसको बोलोगे इंग्लिश में तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और वो भी एक ही जैसे समान नंबर के। तो ये बन गया इनका एक जोड़ा, और इसमें से जितने का जोड़ा बना है, एक जोड़े से सिर्फ एक ही डिजिट बाहर निकलता है, एक ही अंक बाहर आता है, तो ये 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, बस ये हो गया आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था ये, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 4 है, और मैंने उसका वर्गमूल आपको दिखा दिया। याद रखना, इसको अपने दिमाग में घुसा लो कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर कहीं पूछा जाए तो 4 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, समझ गए ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 ही है, 2 चीज याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बच्चा और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये दोनों का आंसर 4 है, क्योंकि जो संख्या 2 है इसके पीछे छुटकी इसकी जो है वो ना तो भाज्य है, ये ना तो भाज्य है ना पूर्ण वर्ग है, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से क्या है, बड़ी नालायक टाइप की है, बस ऐसे आगे क्या बात करें। चलो जाने दो, छोड़ दो इसको यहीं पे। हाँ, संतोष यादव, महेंद्र सैनी, मृत्युंजय, कुछ बुझा उजा रहा है कि नहीं बच्चा? देखो इधर आगे, ये तो एकदम छोटा सा हो गया, आप इसे कर लोगे या हर कोई कर लेगा। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है जी। किरण मौर्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आप समझिए। इधर साइड में भाई रवि शंकरवा कहाँ गया, आज नहीं आया का, कमेंट वमेंट देख रहा है कोई कि नहीं? हाँ, अभी वो जो आपके साथी हैं जो कमेंट देखते हैं वो होली मना के नहीं है अभी अपनी वाइफ के साथ, वाइफ रहने पे ही मुसीबत है, इसलिए देखो हम नहीं गए, है ना, अभी आए ही नहीं, वो तो 3 दिन हो गया। चलो देखो अगला, अब थोड़ा अगर हम और ऊपर बढ़ते हैं तो ये क्या है, 16।
इसको आप लोग कर लोगे ना। हर कोई कर लेगा इसको। अब देखो समझो, चूंकि हम बिल्कुल जीरो से सीखते हैं, हमारी क्लास का ये मतलब है कि हमें कुछ नहीं आता है, आपको भी कुछ नहीं आता, हम लोग कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं। अगर आपको भी मैथ नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, आप ये समझ के मत बैठो कि यहाँ पे सब बड़े बड़े गणितज्ञ बैठे हैं, यहाँ पे कोई आर्यभट्ट नहीं है, सब हम लोग के जैसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे, एकदम शुरू से, जहां से तुम सोचते हो कि कहाँ से सीखे वहीं से सिखाते हैं। लेकिन क्लास को पूरा देखो, बीच में नहीं जाना कोई भी, ठीक है? चलो देखो आगे, इसके क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे। पेयर बनाना आप सभी जानते हो, अरे ये पिछली की क्लास में बताए थे ना बच्चा, जब तुम लोग नहीं आए थे, होली मना रहे थे तब, हाँ उसके पहले बताए थे होली के। कुछ लोग ये मत बोलना कि काय ऐसा बोल रहे हो, मैंने 23 मार्च को क्लास बंद कर दिया था लाइव। देखो यहाँ पे समझो, 16 का क्या करोगे, इसका बनाओगे पेयर ऐसे, वो क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर, ये आप सभी जानते हो ना, ऐसे ना, कितनी बार कट रहा है ये 2 से। यहाँ पे देखो समझो, आप बिल्कुल बेसिक से समझो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पेयर बनाते हैं। अब पेयर कितने कितने का बन रहा है देखो यहाँ पे भाई, थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे चलो, पेयर से पहले गुणनखंड करते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर में हमें ये मिल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है? 2 2 के क्या करोगे, पेयर बनाओगे, 2 2 का क्या करोगे, पेयर बनाओगे। ये अब एक एक पेयर से एक गिनती बाहर निकलेगा और फाइनल में इसका आंसर क्या आएगा, 4। बात समझ में आया ना, लिख लीजिए इसको भी, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योति सेन बोल रही किनके, जी हम ना पापा जी का सपना है हमको पुलिस की भर्ती में देखना, बट हमको मैथ नहीं आती है, प्लीज हमारी हेल्प करिए। ज्योति जी देखिए, सपने सच होते हैं लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे अगर एक बात बोले, आपको बुरा ना लगे, तो सपने अपने पूरे करने चाहिए, पापा मम्मी जो आप अपने सपने बनाएंगे उसी को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आपसे लगता है कि ये आपका फेवरेट मतलब नहीं है, तो फिर उसको मत करिए मम्मी पापा के कहने पर, क्योंकि हम भी नहीं करते उसको। हाँ लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में आपको कुछ बड़ा करके दिखाना मम्मी पापा को, ये नहीं कि नालायक टाइप के बन जाओ कि हाँ कुछ ना करो, जो मम्मी पापा बोले उसको भी ना करो। हाँ लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल जुट जाइए। मैथ सिखाने की हमारी गारंटी होगी। अगर आप अच्छे से जल्दी से सीखना चाहती हैं, तो प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, PVR स्टडी के ऐप्स में उपलब्ध है। बाकी तो रोज 9 बजे से हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है? चलिए ज्यादा बात नहीं करिए, सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हो गया, नोट कर लिए, छाप लिए ना बच्चा लोग, छापने में तो तेजी हो। चलो, तो ये तो बिल्कुल छोटे छोटे नंबर थे जिनको हर कोई कर लिया, लल्लू लाल भी कर लिए इसको ना। अब लेकिन जो देंगे ना, उसमें थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। एक दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ एक छोटा सा है, लिखो। मतलब बहुत बड़ा नहीं है, चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। ये इसका कोई बता दे एनीवन, वर्गमूल 4900, कोई भी बता सकता है एनीवन। विशाल कुमार साहनी, 9 बजे से होता बाबुआ, 9 बजे से क्लास होती डेली, एवरी डे 9 बजे से। चलो 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 फटाफट रेडी। कुछ तो ऐसे बैठे हैं गधा टाइप के, एक को नहीं बोल रहे, गुस्सा न की नहीं रहे, जैसे लग रहा है पता नहीं है कि नहीं है। अरे कमेंट कर दो, कमेंट एक बार कर दो, कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा दो। हाँ मतलब शक्ल नहीं देख रहे हैं, डरना मत कि जाके छुप जाओ, नहीं दिख नहीं रहे हो कोई भी, मैं ही दिख रहा हूं सबको बस। संगम सिंह यादव, मैथ में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अच्छा भैया, ऐसा कौन सा मैंने आसमान में तीर मार लिया। चलो ठीक है, अब देखो इधर साइड में, देखो सारे मेडल मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, अगर बस प्यार और विश्वास मिलता है आप लोगों का, तो बस उसी को बना के रखो और इसी क्लास को लाइक कर दो, बस मुझे मेडल मिल गया, बाकी तो और सब बाद में मिलेगा, जहां से मिल रहा है वो मिल ही रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे 7 आएगा, कोई बता रहा है बच्चा गलत है, बिल्कुल गलत है बबुआ तुम्हारा तो। हाँ इनके क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। फैक्टर करना आप सबको पता है, पहले ये 2 से ही कटेगा, अभी तो 70 आएगा, कोई बता रहा है।
ठीक है आप ट्राई कर लो, चलो हम भी ट्राई करते हैं। हाँ इधर साइड में देख लो आप लोग, देखो यहाँ पे समझो ये क्या है 49 00। इसका पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट पार्ट में करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर सभी कर लोगे मुझे पता है। हाँ सभी कर लोगे। देखो ये 2 2 4, 2 4 8 और ये 2 5 10, 24,500 होता है ना, ये गलत हो रहा है का, ये 4,900 है, तो ये 24,500 कहाँ से हो गया गधों, गड़बड़ है। ये 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है हाँ 2,450 होगा, क्योंकि 2,400 दूना 4,800 होता है। उधर साइड में जो कट रहा है उसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, आप लोग बिल्कुल बता दिया करो एक बार, बस टेंशन मत लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा भैया रुक जाना हल्का सा, अरे थोड़ा सा जा यार, यही तो इसकी दिक्कत है, ये थोड़ा सा खिसकता नहीं है, ये ट्राईपोर्ट गड़बड़ है, झटके में घूम जाता है। चलो अब देखो इधर साइड में समझो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर 2 से इसको छोटा करोगे तो 2 1 2, और ये 2 2 4 और 2 2 4, 2 5 10। देखो एक्चुअली होता कैसे है, जिनको नहीं आता उन्हें काफी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2450 कैसे आया। देखो बचवा ऐसे भाग करते हैं इसको, ऐसे ये ऐसे करते हैं, तो ये 2 2 4, अब कहो कि मुझे भागियो नहीं आती है, जब तुमको कुछ नहीं आता है ना तो पहली क्लास से देखो, मैंने पहली क्लास में ये भी बताया है, भाग भी मैंने बताया कैसे होता, सब बताया है। तो ये 2 2 कितना हो गया 4, ये घट गया 0, ऊपर से 9 उतार लिया और 2 4 ये 8 और घटाने पर 1 आ गया, ऊपर से 1 0 उतारते हैं, 2 5 10 और फिर ये खत्म हो गया, 1 0 बचा, 1 हो गया, बस ऐसे होता भाग। तो इस तरह से जिससे भाग दिए हैं उसको यहाँ सामने लिखते हैं, और जो इसके खोपड़ी पे आता है ना चुरकी पे उसको पकड़ के इसके नीचे ला के पटक देते हैं, बस इतने करते हैं, समझ में आया ना। उसी तरह से फिर से 2450 में भाग करोगे 2 से तो ये आएगा 1225, क्योंकि 12 2 24 होता है इसलिए 2400 हो गया, और 50 का आधा 25, ठीक ना, समझ में आया ना। चलो इधर साइड समझो, अब ये बताओ बच्चा ये किससे कटेगा जो बचा है, क्या ये 2 से कटेगा? अरे यस या नो बोलो, थैंक के मारेंगे नहीं बोलोगे, कटेगा कि नहीं? दीपक कुमार सुपेंद्र भाई, ऐसा सा नाम रखा लेते हैं ना कि कोई बोल ना पाए, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, अब मुझे पता है 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, क्यों गधों सही बोल रहा हूँ ना, अरे भाई अच्छे हो आप लोग, मैं खुद को बोल रहा हूँ। चलो 5 2 10 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 22, और 5 4 20 और फिर 5 5 25, फिर से ये 5 से कटेगा, 5 4 20, 5 9 45, देखो ये मिल गए साथी हमारे, साथी हमारे मिल गए, हम समझ गए कि क्या क्या होगा, सब काम खत्म हो गया। देखो इसका फैक्टर करना थोड़ा सा बुद्धि घुमाना था, जैसे मैंने 16 का दिया था, 9 का दिया था, 4 का दिया था, तब तुम एकदम जैसे हलवा कर लिए, हाँ हलवा जान रहे हो ना जो खाते हो वही, मतलब मेहनत ना लगे, देखो इधर मतलब खाने में बनाने में तो लगती, देखो 2 गुणा 2, 5 2 बार है, 7 भी 2 बार है, ये हो गया इसका क्या फैक्टर। उसके बाद इनकी जोड़ी बनाते हैं सबकी, रब ने बना दी जोड़ी वाली कहानी सुने हो ना, वैसे बनाते हैं, कैसे भाई 2 2 की तो बनती ना जोड़ी, 3 की बनती तो गड़बड़ हो जाती, 2 2 की, ये एक एक जोड़ा से एक एक गिनती नीचे लिखोगे, इसमें से 1 2, इसमें से 1 5, इसमें से 1 7, और सबका गुणा करते हैं, 2 का गुणा 5 में किया तो 10 हो गया, 10 का 7 में किया तो कितना हो गया 70 हो गया, इस तरह से बच्चा इसका आंसर कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है बात समझ में आया ना। दीपक कुमार जी आता है ना बच्चा, देखो हजम कर लो, नुकसान नहीं करेगा, जिनको आता है ना उनको अपच नहीं करेगा, चलो चलो जल्दी करो फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे सभी, बताओ सही है ना, समझ में आया ना। चलिए बैरा राम चौधरी, भाई बैरा राम ये नाम तुम कहीं मंगाए थे या फिर वैसे मिल गया था, हाँ आज बड़े अजीब अजीब से नाम वाले आ रहे हैं, क्या बात है आज कुछ अलग दिन है का,
या फिर ये बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा सा नाम बना के आए हैं। हाँ चलो देखो इधर, हम बोलेंगे ही नहीं इतना कठिन नाम रख के आओगे तो। हाँ देखो विशाल जी का नाम कितना अच्छा है, सुंदर सा है, छोटा सा। भारती लहरी भी ठीक है, अजय का भी नाम ठीक है। एक लोग सिपाक कुमार आए हैं, इनका भी मुझे बड़ा गड़बड़ लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। चलो देखो फिलहाल जिसका नाम जो भी है बहुत अच्छा है, सुंदर सा है, आगे चलो बढ़ो। हाँ तो बच्चा हम आपको कुछ और भी बताएंगे, लेकिन पहले वर्गमूल बता दें तब, ठीक है? पहले वर्गमूल सीख जाओ, तब हम आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है? पूर्ण वर्ग संख्या देखो इधर साइड में। अच्छा नाम बनवाए थे आर्डर देके? हाँ हाँ लग तो रहा है, वैसे बीआईपी नाम है ना, इसलिए आजकल तो सब कुछ बीआईपी होता है। चार्टी होएगा 5। अच्छा इसका जो उत्तर बताएगा ना उसको तुरंत इनाम मिलेगा, और तुरंत मिलेगा, बिल्कुल देर नहीं, बिना किसी भ्रष्टाचार के तुरंत मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, मतलब पूरी पारदर्शिता रहेगी। चलो कोई बताएगा? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ जो मोबाइल लेके बैठे हो। चलो बताओ, 80 लोग बैठे हैं, 90 लोग। खुशबू मौर्या, रबीना बिजन, लग रहा तुम भी नाम बनवा के आई हो। मृत्युंजय भरद्वाज जी, देखो इनका नाम सिंपल सा है, बिल्कुल साधु है जैसे नाम से, तो भाई अब वैसे पता नहीं कितने खतरनाक है। एस के राजपूत, हाँ हमारा नाम भी अच्छा है, टाइम बचेगा, ठीक है। सबसे पहला जवाब आया है किरण मौर्या का, उसके बाद है भैया रविशंकर। रविशंकर बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, ये पूरी तरह से बड़े फैन है पीबीआर स्टडी के। इनको सबसे बड़ा स्टूडेंट वाला सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपनी जिंदगी का सारा काम छोड़ के पीबीआर स्टडी की ये सारी क्लास देखते हैं, कुछ भी पढ़ाया जाए। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? कुछ भी पढ़ाया जाए ये सारी क्लास देखते हैं। ज्योति विश्वकर्मा, ठीक है आपने भी कोशिश किया। रोहित विश्वकर्मा जी, आपने भी किया है, इसका मतलब सब लोग कर लिए ना, आप ना बताएंगे, जाने दो ना बताए ना, कर लोगे। चलो एक थी और बता दो फिर, 5929। चलो बचवा एक थी और बता दो फिर, इसी में लगे हाथ, हम काहे मेहनत करें। एक और बता दो, मैं मार्कर में स्याही डाल लूं, क्योंकि मैं वैसे घिस पिट के जुगाड़ लगा के चला रहा हूं। चलो भर लेता हूं। सोहेल खान, रामचंद्र जी, ठीक है भैया प्रभु जी, बहुत अच्छा। और कोई एनीवन? अरे ये स्याही डाल रहा हूं, देखो तुम लोग भी, नहीं तो कहोगे कैमरा के पीछे क्या कर रहे हैं। दिख रहा है ना, ये मार्कर है, ये उसकी गुंडी है, और वो सही। वो एक वीडियो देखे थे ना, वायरल हुआ था, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये मेरी, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जितनी भी गंदी चीज होती वायरल कर देते हैं, अच्छी चीज कोई नहीं करेगा। चलो आगे, ठीक है। संगम सिंह, लक्ष्मी रावत, पवन सिंह, पवन सिंह आ गए भाई, खेसारी लाल नहीं आए का यार। अच्छा बिजी होंगे वो। चलो देखो इधर, ये आप लोग कर लोगे, इसका कितना आएगा? 77 आएगा। जयपाल बता रहे 77, अजीत भी बता रहे हैं, और बैरा राम परदुम, ठीक है। चलो एक और बता दो फिर, इसी में लगे हाथ, 1764। चलो बचवा ये भी बता दो फिर, 1764, इसका कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, दादा लोगों से, और जो दादी लोग हैं वो भी बताएं। चलो सभी बताओ। रणविजय सिंह, अजीत, शिव गोविंद मौर्य, बहुत सुंदर सा नाम है तुम्हारा तो, एकदम प्यारा है। चलो शिव और गोविंद, भाई देखो दो दो नाम है इसमें, बड़े ही सम्मानित। चलो आगे बढ़े, हो गया ना? देखो अब मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम लोग ना जो कहोगे वो अच्छा है नहीं। चलो देखो इधर, ये आप सभी कर लिए, लगभग बच्चों के उत्तर भी आ गए हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उन बच्चों का क्या दर्द है जो बच्चे नहीं रह गए, बल्कि बच्चे वाले हो गए हैं, और उन्हें आता है नहीं, मतलब आ नहीं रहा उनको, लेकिन वो ऐसे अफसोस में पड़े हैं कि पूछ भी नहीं सकते हैं। सोच रहे देखो मुझसे छोटे छोटे बता रहे हैं, आ रहा है आ रहा है, अब मैं इतना बड़ा हो गया बुढ़ा टाइप का, मैं पूछूं तो ये भी बुरी बात है, लेकिन पूछना कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ शर्म जहां करनी चाहिए वहां करनी चाहिए, हर जगह नहीं। देखो चलो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, इधर साइड कर लो, का है उतना दूर। देखिए सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूँ वर्गमूल कैसे करते हैं, जिनको आता है वो ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, जाएंगे नहीं।
अभी मैं बात करूंगा। अच्छा जिनको आ रहा है वो लोग थोड़ा एक क्वेश्चन और करें, जिनको नहीं आ रहा इसको देखें। दो तरह के लोग हैं, मैं दोनों लोग को अर्जाए रहूंगा। चलो ये बताओ बच्चा कि 11:043, हाँ इसको यहीं लिख लो कहीं, 11:043, इसमें कौन सी संख्या को घटा दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जो बहुत बड़े महात्मा है वो बताएं। इसमें से कौन सी संख्या को घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। मनीषा कुमार, देखो ये भी लग रहा है बहुत दूर से नाम बनवाए हैं, इनका नाम मनीषा है लेकिन कुमार भी है। अब पता नहीं मनीषा गलत है या कुमार में कुमार ही लगेगा, भगवान जाने। चलो मैं कपड़ा भिगो लेता हूँ भाई, मिटाने वाला, थोड़ा सा रुक जाओ। ये देखो इसको भिगोना है और मैं भिगो के आता हूँ थोड़ा सा, 2 सेकंड में, क्योंकि गरीबी बहुत बड़ी है इसलिए कपड़े से मिटाते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ बट एक्चुअली ये है ना कि वो खराब हो जाता है, क्या डस्टर रोज रोज खराब हो जाता है, कौन लाए फालतू। हो गया ना, मैं देख रहा हूँ, ये मत सोचो कि गया नहीं, नहीं गया नहीं। चलो चलो चलो, अरे मैं माइक अपने खोपड़ी में ही लगाया हूँ, भले दूर चला आया हूँ। तो पानी की याद आ गई तो पी भी लेता हूँ, क्योंकि ऑर्डर भी मिला था पानी पीने का, भाई आदेश से ही सब कुछ हो रहा है आजकल। चलो इधर साइड जाऊँ, नहीं इधर, कोई बताएगा। राजेंद्र सिंह, के एम, काव्या, जल्दी बताओ। आ रहा ना सभी को, यहाँ तो कुछ नहीं आसान है, रुक जा भाई। चलो इसका ढक्कन कहाँ गया, हो गया ना सभी बता लिए, 53 आ रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरा गलत है। महेंद्र सैनी, देखो बच्चा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, इधर साइड में देखो, समझो ये 18225 है ना, इसका पहले वर्गमूल कर लो, और इसमें जो लोग बता रहे हैं ना, मैंने कहा था इसमें से क्या घटाएं, इसका मैं वर्गमूल नहीं बोला था गधों, ये सब वर्गमूल बता दे रहे हैं। मैंने ये कहा था इसमें से मैं क्या घटा दूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि पूर्ण वर्ग क्या है, व्हाट इज परफेक्ट रूट, नहीं पता ना, तो देखते रहो फिर, ये मत कहो कि मुझे सब आ रहा है, देखते रहो भी बताएंगे क्या है। चलो थोड़ा इंतजार कर लो, अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे समझो, ये 18225, सबसे पहले इसके वर्गमूल कर लो। अरे दादा वर्गमूल ही तो करने के लिए आए हैं, मतलब इसके गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो इंग्लिश में। तो आप मुझे ये बताओ, यहां से इसको देखो प्यार से, देखो मगर प्यार से, हाँ चलो दीपक की तरह सुने हो ना, ये सब लाइनें अच्छी लगती हैं सुनने में। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि इसको देखो फिर से, ये बताओ ये सम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है, क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, पहले इसको पहचानते हैं, समझते हैं कैसे। देखो इधर साइड में इसका थोबड़ा देखो, अगर तो इसमें लास्ट में 5 है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, और वो संख्या जिसका लास्ट का डिजिट 1579 है वो विषम होती है, और जिसका लास्ट का डिजिट 024, अरे वही सब 68 होता है, वो सम होती है। तो पहली बात तो ये विषम है, क्या है ये विषम है। अब ये भाज्य है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अच्छी बात हमें ये पता चल जा रही है यहाँ से कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो कभी भी 2 से पूरी तरह से विभाज्य नहीं होती। ये सभी जानते हो ना, जानते हो ना कि जितनी भी विषम संख्या है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती है, यानी अब हमें इसको सम संख्या से काटना नहीं है, तो हम किससे काटेंगे, विषम संख्या में आ जाते हैं। तो बच्चा इनको 1 से तो काटने से कोई मतलब है नहीं, हाँ मुर्दा को क्या मारा जाए ना, वही हाल है। तो 2 से काटेंगे नहीं क्योंकि सम है नहीं, वो विषम है, तो 3 से काटेंगे। देखो 3 × 6 = 18, हाँ 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। आप कुछ लोग ऐसे कोक्का जैसे मुंह फैलाए देख रहे हैं, ये कैसे आ गया, कुछ लोग कहीं नहीं समझ में आ रहा है 675 कैसे आ गया, ये कहाँ से लिख दिया भाई, लग रहा बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं मैं, हाँ इनको ये नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं आता है। देखो समझो इधर साइड में, इधर साइड समझो, हाँ बस हमारी ये कोशिश है कि हर किसी को आए,
सीट पे सबसे पीछे बैठा व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए। ये भाग ले जाते हैं, 3 6 18 जीरो आ गया, ऊपर से 2 उतारते हैं। हमें लग रहा है वो गलत भी आया था। देखो भाग करना आसान मतलब फायदेमंद हुआ ना, क्यों फायदेमंद हुआ? क्योंकि 18,225 था और इसका जो 3 गुना किया तो 675 आया, पूरी तरह गलत है क्योंकि छत्री का 18 होता है ना। तो बचवा यहाँ पे बीचवा में ना एक्टिव सुनना भी जाएगा। ये देखो भाग करना फायदेमंद हुआ ना, हाँ देखो कैसे ऊपर से 2 उतारा, अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं कि जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा ना, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? 2 में भाग नहीं जाएगा, ऊपर से 80 साथी और उतारेंगे नीचे, तो भैया जब ये डबल डबल उतरेंगे ना तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरी तरह से इसको ऐसे जानते हैं कि जब 2 का उतार लेते हैं यहाँ पे भाग नहीं जाता है तो 0 बढ़ा लेते हैं, मतलब 0 बाल ले जाते हैं। तो 3 7 21, अब भाग करना सबको आता है, नहीं आता तो बताना, ये भी बताएंगे कभी फुर्सत में। तो जो ऊपर आता है मतलब भागफल, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, उसको यहाँ नीचे लिखते हैं क्योंकि जिंदगी का रूल है, एक बार जो ऊपर जाता फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता है, लेकिन जो बहुत ऊपर चला जाता वो नहीं आता, उतना ऊपर ना जाने पाए, याद रखना। चलो तो ये कितना हो गया? 6,075। कितना समझ में आया? अब ये किससे कटेगा जल्दी बताओ भाई, एक बार 3 से ट्राई किए हैं, चूंकि हमें वर्गमूल बनाना है तो हम सबके जोड़े जरूर बनाएंगे तभी वर्गमूल बनेगा, इसका मतलब ये 3 से फिर कटेगा। अब ऐसा नहीं कि वर्गमूल निकालना इसीलिए 2 बार कटेगा, लेकिन वो कटेगा मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको पहले किया था, कभी किया था किसी क्लास में। अब देखो यहाँ पे समझो, 3 2 6 और ये 0 ऐसे उतार लेंगे, अब 3 2 6 और 3 5 15, मैं बार बार थोड़ी भाग करूंगा, इतना तो आप सभी को आना चाहिए ना। अब देखो इधर साइड में कुमारी काव्या, ध्यान से देखिए, आएगा आएगा। अब ये 3 से फिर से कटेगा क्या? सोचो बताओ। देखो 3 6 18, दिमाग में घुमा लो बस, भाग मत करो। ये हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना? 22। 3 7 21, अभी कटेगा, अभी ये कटेगा 3 6 18, ये 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने गलत किया है तो एक काम करो, 3 का इसमें गुणा कर दो 675 में, और वो अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। 3 5 15 हासिल आया 1, 3 7 21 एक 22 हासिल आया 2, 3 6 18 2 20, इसका मतलब हमने सही किया है। बात समझ में आई ना? भाग में यही तो आसान है। आकांक्षा जैन कुछ समझ में आ रहा है? रवीना विजन सिंगिंग समझ मन में आ रहा है कि बस सिंगिंग में ही लगे हो? हाँ यारी भाई बुझा रहा है कि नहीं? कहो यूपी वालों, आवत होता है कि नहीं? देखा इधर, आप क्या करेंगे? अभी फिर से 3 से कटेगा ना, ये कटेगा 3 2 6, 3 2 6 यार ये 3 से पूरा कट जाएगा का? 3 2 6, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। कुछ लोग मुझे गरिया रहे होंगे तो मैं भी यूपी से ही हूँ भाई, चलो वैसे बोला मजाक में, सब ठीक है ना, यहाँ तक मस्त है ना। अब देखो इधर समझो, अजीत रायल को ब्लॉक कर दो भैया, तो ये दूसरे उपाय में आए हैं, इनको पढ़ना नहीं है, नंबर वंबर दे रहे हैं, कुछ सिस्टम सेट करने वाले हैं, इनको नहीं पता कितने लोग बर्बाद हो गए इसमें। चलो इनको ब्लॉक कर दो थोड़ा देर के लिए, मतलब होल्ड कर दो बस। अब क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे ना। बेबी देवी जी आ रहा समझ में? आर के यादव कहाँ से हो? अभी रुक जाओ मैं तुमको फोन करके बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पहले 1 2 3 4 5 6, कितनी बार कटा है? 3 3 कितनी बार है? 3 3 कितनी बार है? देखो बच्चा 6 बार है, तो ये 6 बार लिख लो, ये 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ये 6 बार हो गया, 3 हो गया। इसको थोड़ा सुंदर सा लिख लो भाई, सुंदर बनने का जमाना आया है। चलो 5 कितनी बार है? 2 बार है। अब क्या करोगे जरा समझो, इधर साइड में, इधर साइड में समझो। वैसे तो तुम सब जानते हो, समझदार बहुत हो, लेकिन मतलब की बात नहीं जानते हो बस। 6 बार ना, देखो भाई बेबी मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है इसलिए अंडरस्टैंड ना बोलो, मुझे समझ में कम आता है ये सब, हाँ हिंदी में बोलो देसी भाषा में। चलो ये 3 3 3 कितने जोड़ा बना है?
एक इसमें से भी एक तीन बाहर आएगा, इसमें से भी एक बाहर आएगा, और ये पांच पांच का जो जोड़ा बना इसमें से एक ठीक पांच बाहर आएगा। सब का गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 का 5 में गुणा कर लो, 27 का 5 में कर लो, मुझे भी नहीं आ रहा है, ये लो यहाँ कर लेते चुप्पे से ना, ये ऐसे, ये 5 7 35 और 5 2 10 3 13, इस तरह से आ जाता है 135। हाँ समझ में आया ना बच्चा लोग, छाप लो फटाफट, जल्दी जल्दी छाप लो, देर मत करो। चलो अरे मैं इधर हट जाता हूँ, कौन मेरा थोबड़ा देखना जरूरी थोड़ी है। चलो और जो देखने वाले हैं वैसे भी देख लेते हैं दूसरे उपाय से। चलो चलो जल्दी करो फटाफट, कुछ समझ में आ रहा है? संतोष कुमार, कौन से चैनल पर क्लास का वीडियो? बच्चा तुम कौन सी दुनिया में हो ये बता दो। हाँ ऐसे ऐसे गधे हैं इस दुनिया में कि चैनल पे वीडियो देख रहा है, क्लास में है, लाइव भी देख रहा है, फिर भी चैनल का नाम पूछ रहा है। हाँ जैसे कहे ना, नदी में नाव पे बैठा है और नाविक से पूछ रहा है ये बताओ हम रोड पे हैं कि खेत में बैठे हैं। हाँ अगर उलट दिया उसी में पानी वानी घुसा ना कुना में, पता चला नहीं नहीं पानी में हो गया ना, तभी कर लोगे। देखो अब हम बात करेंगे कुछ अलग, क्योंकि हमारी आदत है एक ही चीज में मजा नहीं आती है, अगर हर दिन कोई बहुत अच्छा पकवान भी मिले तो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब मजा नहीं आती है। लेकिन हाँ दो तो चार दिन गैप हो जाए बीच में, फिर मिले ना मतलब बहुत मजा आती है। चलो देखो फिर गैप करते हैं इसमें, अब हम थोड़ी मतलब की बात करते हैं। वर्गमूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने लगभग बता दिया, और अगर सब मैं यही बता दूंगा तो भैया प्रीमियम क्लास वालों का क्या होगा, वो तो लोग मुझे बहुत गरियाएंगे पानी पी पी के। चलो ठीक है, अब इसके आगे इसमें नहीं बताना है, अब इसके आगे कुछ यहाँ अलग बताना है। वो क्या है देखो समझो, हर एक क्लास अलग होनी चाहिए जिससे जो लोग नहीं देख रहे ना वो भी देखें, उन्हें भी लगे कि हाँ ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा तभी, आपको सभी के पास टाइम है 3 मिनट का, 3 मिनट जानते हो ना बच्चा लोग, 180 सेकेंड। इस क्लास को सभी लाइक करेंगे और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहां पे अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हो स्टेटस में ना, वहां भी लगा के आओगे। चलो जल्दी करो, सभी छात्र इस सेशन को लाइक करके और क्लास को फटाफट शेयर करके आइए। जल्दी करो, 5 मिनट का टाइम है सभी के पास, 3 मिनट था, 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। चलो जल्दी करो सभी, सभी बच्चे शेयर करके आओ फटाफट। अमिता शर्मा जी बिल्कुल, रोज चलती है, हर दिन चलती है, संडे को हम लोग बकैती करते हैं, बाकी पढ़ाते हैं रोज। कैमरा जूम वूम कर रहा है क्या यार, जल्दी से सभी शेयर करके आओ फटाफट। और जो ऐसे दांत निकाल रहे हैं ना, हाँ वो अभी उनका दांत हम बंद करते हैं, रुको ये शेयर तो नहीं कर रहे हैं, बस दांत निकाल रहे हैं खड़ा होके, सारी भावनाएं यहीं पे दिखा देंगे का। हाँ मैंने एक क्वेश्चन बोला था सबसे पहले, उसको मैं बाद में बताऊंगा, इधर समझो। अब मैं ये बताऊंगा, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब बच्चे 100 के ऊपर हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट रूट, 100 के ऊपर स्टूडेंट होंगे तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा रात भर। हाँ चलो आवाज आ रही ना, देर करके आओ, तब तक हम पानी वानी पीते हैं आंख बंद करके, आ जाना तो बताना। रिंकू राजपूत, होल्लू लिख रहे हैं, बच्चा क्या कहना चाहते हो, हेलो बोल रहे हो कि उल्लू बोल रहे हो? निशांत नाग भी नाम लग रहा बनवाए हो कहीं से, झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे, मुझे मालूम है कौन कौन नहीं किया है, मुझे सब पता है। ये कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि बोल देंगे हमने तो कर दिया है, हम अभी सबका व्हाट्सएप स्टेटस देख के आ रहे हैं कौनों नहीं किया है, जो जो नहीं किया ना उसका मुझे मालूम है। हाँ बहुत से बच्चे किए हैं, हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, हाँ बच्चियां भी हैं ऐसी बात नहीं है, वो सब किए हैं, लेकिन कुछ गधे टाइप के हैं जो नहीं करें, झूठा ही बोल रहे हैं मैंने कर दिया, मतलब इनको पता है कि हम कुछ जानते तो है नहीं।
गोविंद पांडे, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपकी पहली क्लास है। आकृति विश्वकर्मा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। शेयर करके आइए, हाँ शेयर करके आइए फटाफट जल्दी से। राजेंद्र सिंह, अभी बच्चे 100 के ऊपर नहीं हुए, मैं कह रहा हूँ कतई नहीं पढ़ाऊंगा इसके आगे। 100 के ऊपर अगर नहीं गए तो मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो। इसमें मेरा कैसे है वो सुने हो कि नहीं? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तभी फटाफट शेयर करके आओ जल्दी से यार, काहे शर्मिंदा कर रहे हो भाई। ओनली 1 मिनट बचा, सिर्फ 1 मिनट बचा है। अरे जो बच्चे शेयर किए उनकी तो लाज रखो। फटाफट जल्दी से करके आओ, और लाइक करने को भैया का दादा करेंगे। हाँ अरे 50 लाइक तो क्लास शुरू होने पहले ही था। कुछ लोग गरियाएंगे, देखो बीच बीच में कौन सा नौटंकी कर रहा है। लाइक शेयर करवा रुक करके भाई, जो तुम लोग मुझसे बड़े बेशरम हो, नहीं करते हो तो मैं क्या करूं, करवाना पड़ता है। हाँ मजबूरी में करवाना पड़ता है। अमिता शर्मा, आपने कर दिया। नरपत सिंह बोल रहे हैं मैंने कर दिया। भाई नरपत जी, बस आप ही का इंतजार था। चलो चलो ठीक है, अब आपने कर दिया तो मान लिया मैंने दुनिया कर दी होगी। चलो इधर देखो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण और वर्ग, कुछ बुझाया? देखो देखो यहां समझो, अगर इसको हम हिंदी में चले, वैसे तो मुझे हिंदी नहीं आती है, संधि विच्छेद वगैरह पढ़ा था मैंने कक्षा 9 में। हमारे गुरु जी आते थे ना, मुर्गा बनाते थे क्लास में, जिससे संधि सुनते थे, तो उसमें पढ़ा था मैंने। ये पूर्ण वर्ग दो, अगर इसको हम अलग अलग लिखें ये, तो क्या हमारे दिमाग में कुछ फीलिंग आ रही कि नहीं इसके संबंध में? आ रही ना। पूर्ण वर्ग, पूर्ण का मतलब संख्या जो है क्या है, पूर्ण भी है और वर्ग भी है, मतलब संख्या पूरी है, मतलब पूर्ण संख्या है और उसका वर्ग भी है। कुछ बुझाया कि नहीं? संख्या पूर्ण है यानी पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है और उसका स्क्वायर भी हो रहा है, वर्ग भी हो रहा है, इसका बस इतना सा ही मतलब है। आया समझ में? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं, मैंने तो यही सुना है। देखो समझो, अब कुछ लोग को ना समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आएगा। जैसे देखो बच्चा इधर समझो, मैंने लिखा 16 ना, तो मुझे एक बात बताओ, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बोलो ईमानदारी से बोलो, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलना। चलो लिख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, अगर मैंने लिखा 81 तो तुम कहोगे इसमें कौन बहुत अच्छा कर दियो, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो। रुको रहो भैया रुको, मैं जो बताना चाहता हूँ वही बता दूँ। ये लो, ऐसे कर सकते हैं ना, और इसको फाइनल में हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों भाई साहब, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। यानी ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो कंप्लीटली क्या आ रहा है, ये वर्गमूलों कर लो ना, रो का किस में, ये लो फाइनल में 4 आ जाएगा ऐसे बोलें तो। समझ रहे हो ना, ये हो जा रहा है ना। अब हम आपको जो समझाने वाले हैं वो चीज समझो, यहां से जो समझाने वाले वो समझो, इसका क्या आया, 4 वर्गमूल आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सभी लोग बताएंगे ईमानदारी से, और हाँ बेमानी नहीं करना, कोई भी प्यार से बताना। चलो देखो, जैसे अगर मान लो मैंने एक नंबर दिया, छोटा सा है, वो भी नन्ना सा ही है, इसी 16 जो है ना इसका पड़ोसी है 17, तो ये बताओ क्या इसका भी कोई जोड़ीदार है? जैसे इसका था ना 16 का, 2 4 4 कर दिया तो भैया 4 4 16, इसका वर्गमूल 4 आ गया, क्या इसका भी है कोई? बोलो यस या नो, क्या ये भी ऐसे पॉसिबल है? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बस सिर्फ इतना बोलो, बस इससे आगे एक शब्द नहीं बोलना। चलो क्या इसका है ऐसा कुछ उपाय? महेंद्र सैनी, बच्चा नंबर नीचे चल रहा है ना, नीचे देखो चल रहा है ना बबुआ, हाँ चल रहा है ना भाई। राजेंद्र सिंह बता रहे नहीं है। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद, बड़ा वाला धन्यवाद। लाइट वाइट सब जल रही तो काहे कम दिख रहा मुझे, आंख वाँख जा रही का? ये लो मैंने लगा लिया डबल बैटरी। चलो देखो यार, बहुत सारी लाइट जलती है सामने, बहुत नुकसान होता है। हाँ
इसलिए लगाते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग गरियाते हैं चश्मा लगा लेते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं लगाना मतलब सोचता हूँ लगा लूँ। तनी कुमार, बीएस वर्मा, काव्या, बेबी, राणा, मनीषा, और कोई, नरपत सिंह, अखिलेश, अखिलेश कुमार यादव। भाई डिंपल भाभी को नहीं लायका तुम, हाँ अकेले आयो भाई, अपना तो आया करो, अपना सोना बाबू को भी लेके आया करो, थोड़ा इधर भी टाइम दिया करो, हाँ इधर भी टाइम दिया करो, मजा आएगा, अच्छा वाला मजा आएगा। चलो देखो, तो भैया देखो ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। हाँ कुछ लोगों के दिमाग में ये घुस रहा होगा कि ये तो सम संख्या थी इसलिए इसको ऐसा कर दिया, और 17 जो है विषम संख्या इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा होगा फीलिंग ना आपके दिमाग में, कुछ लोगों के मन में होगा ये क्या विषम संख्या है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसका वर्गमूल देखो ये हो जा रहा है 9, ये सम संख्या इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो बच्चा देखो वो उसका भी उपाय समझो, प्रत्येक संख्या जो है वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, कैसे नहीं होती वो चीज समझो। इसका जैसे 17 था ना वैसे 14 भी है, और 81 की जगह पे आप 82 लिख लो या फिर 83 लिख लो। तो यहां से हमने ये सीखा कि वो संख्या जो मतलब एक प्रकार से बोले ऐसे ही समझ लो, जिसके दो दो के पेयर बन सके वो पूर्ण वर्ग होती है, और जिसके दो दो के पेयर ना बन सके वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो भैया अगर इसके हम वर्गमूल की बात करें, कोशिश करें वर्गमूल निकालने की, तो आप देखो क्या बनेगा, 2 × 7 इसमें किसी का जोड़ा ही नहीं बनेगा, 81 ये 83 में तो यही रहेगा बस। हाँ बोलो कौनो का जोड़ा बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो यही होता है पूर्ण वर्ग संख्या, और ये पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होती है उसमें अंतर, इसे बोलते हैं परफेक्ट रूट नंबर, इसे बोलते हैं नॉन परफेक्ट रूट नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट रूट नंबर, मतलब PRN, NON PRN, समझ में आया ना, ये है नॉन परफेक्ट रूट नंबर, ये क्या है परफेक्ट रूट नंबर, सभी को समझ में आया। अरे गधों 10 बजे से क्लास है अगली, मैं तो भूल ही गया था, DLED वाले बहुत करी आएंगे, बंद करो जल्दी बंद करो फटाफट, चलो लिख लो, 10 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी अगली, जो भी छात्र BTC वाले हैं, DLED के थर्ड सेमेस्टर वाले वो जरूर देखेंगे, और हाँ जो मैथ सीखने वाले उनको भी अपच नहीं करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी देखेंगे जिनको मैथ सीखना है, क्योंकि जो DLED में चलेगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक ही होता है DLED में, कक्षा 8 तक की मैथ होती है। तो DLED का थंबनेल या पोस्टर देख के मत भागा करो, अरे भागो ये DLED वाला है, नहीं बेसिक मैथ होती है, कक्षा 8 तक ही होता है उसमें। तो इसको यहीं पे बंद कर रहे हैं, अगर किसी का कोई सवाल है ना बच्चा तो कमेंट जरूर करना, और प्रत्येक दिन क्लास के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, अरे वही फ्री जो तुम चाहते हो, कुछ नहीं लगेगा, हाँ इंटरनेट लगेगा अलग बात। राणा सिंह समझ गए ना, चलो फिर भाई, राणा जी माफ करना, बंद करते हैं आज के लिए, इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।